बीजेपी के बचाव के लिए वैक्सीन पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगी वैक्सीन, कोई भी इससे नहीं छूटेगा। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, आरजेडी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बोला हमला, युवाओं को धोखा देने का लगाया आरोप। बसपा के बागी विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें, सूत्रों के हवाले से खबर, दाखिल होगी सदस्यता रद्द करने की अपील, बागियों के खिलाफ 420 के तहत दर्ज करवा सकती है केस। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार आमने सामने, आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली में करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था का उठाएंगे मुद्दा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को मिल गई संजीवनी, सीएम रावत के खिलाफ लगे आरोपों को भुनाने में जुटी पार्टी, कहा बीजेपी को छोड़नी होगी सत्ता। राजस्थान में फिर तेज हुआ गुर्जर आंदोलन, 1 नवंबर को पूरे राजस्थान को जाम करने की चेतावनी, गुस्से के बाद अलर्ट पर सरकार गहलोत। कृषि कानूनों पर आंदोलन के कारण पंजाब जाने वाली ट्रेनें रद्द, किसान यूनियन ने किया विरोध, मोदी सरकार के कृषि से जुड़े कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक कमीशन को मंजूरी, आयोग भूरेलाल के नेतृत्व वाले पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण की लेगा जगह, उल्लंघन करने वाले पर 1 करोड़ तक जुर्माना। निकिता केस में तीसरी गिरफ्तारी, नूह जिले में छापेमारी के दौरान तौसीफ को पिस्तौल देने वाला गिरफ्तार, घटना में इस्तेमाल आई 20 कार भी बरामद। आज होगा चेन्नई और कोलकाता के बीच मुकाबला, प्लेऑफ से बाहर हो चुकी चेन्नई की टीम कर रही है दूसरी टीमों के समीकरणों को बिगाड़ने की कोशिश, केकेआर के लिए बड़े अंतर से जीत दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया पर गंभीर आरोप, कहा बिडेन के भ्रष्टाचार को छुपाने की हो रही कोशिश, बिडेन ने अपने आप को पहुँचाया है बहुत नुकसान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने की घोषणा, अमेरिका मालदीव में खोलेगा एक दूतावास, पोम्पियो ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित मालदीव के नेतृत्व के साथ वार्ता की। चीन ने भारत के साथ सीमा गतिरोध को द्विपक्षीय मुद्दा बताया, चीन ने की अमेरिकी रणनीति की निंदा, कहा क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व थोपने का है प्रयास। पैगंबर कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों में भड़का गुस्सा, बांग्लादेश में जोरदार प्रदर्शन, राजधानी ढाका में 10,000 लोगों ने निकाला जुलूस। हिंद महासागर में चीन की बढ़ी आक्रामकता, श्रीलंका ने अमेरिका को दिया बड़ा आश्वासन, कहा वो महाशक्तियों के गुटों के बीच चल रहे संघर्ष में शामिल नहीं होगा। रेल मंत्रालय ने IRSME के वरिष्ठ अधिकारी आशुतोष गंगल को उत्तर रेलवे का महाप्रबंधक किया नियुक्त, गंगल ने संभाला कार्यभार, पहले रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के पद पर थे कार्यरत। आयकर विभाग ने 39,14,000 करदाताओं को 1,26,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी, 92,376 करोड़ रुपए हैं कॉरपोरेट कर रिफंड। हाजिर मांग के कारण धनिया वायदा की कीमतों में तेजी, रिफाइंड सोया तेल वायदा कीमतों में गिरावट, धनिया के नवंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 84 रुपए हुई। महामारी की वजह से एयरलाइन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित, ऑस्ट्रेलिया में उड़ानें बंद, विमान खड़े करने की जगह नहीं, एशिया प्रशांत विमान डिपो में खड़े हैं 100 से ज्यादा विमान। और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भी गिरावट में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 298 अंक नीचे 39,624 पर खुला, निफ्टी 11,633 पर कर रहा है कारोबार।